दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में आपको ऐसी न्यूज़ नहीं देखने को मिली होगी जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चीन के एक खिलाड़ी ने अपने ही वहाँ की एक खिलाड़ी को प्रपोज किया और उस महिला खिलाड़ी ने भी उनके इस प्रपोजल को हाँ कर दिया और ये बेहतरीन मूवमेंट था उन दोनों के लिए जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तो दोस्तों, चीन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हुआंग या कियोंग गोल्ड मेडल जीती और उनके इस सेलिब्रेशन के बाद उनके साथी खिलाड़ी लियू युचेन ने सरेआम शादी का प्रपोजल उन्हें दे दिया, जिसके बाद उनका ये वीडियो वायरल होने लगा। 30 वर्षीय कियोंग ने प्रपोजल स्वीकार भी किया और उनकी खुशी देखने लायक थी। इस महिला खिलाड़ी हुआंग ने शुक्रवार को जेंग सिवाई के साथ मिलकर इस गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। उन्होंने दक्षिण कोरिया की किम वॉन हो और जियांग ना युंग को 21-8, 21-11 से हराया। हुआंग के मेडल जीतने के बाद बॉयफ्रेंड युचेन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। युचेन ने हुआंग को सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता दिया, इसके बाद उन्होंने अपने जेब से रिंग निकाली और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने जैसे ही अंगूठी निकालकर शादी के लिए प्रपोज किया तो हुआंग ने फौरन ऑफर स्वीकार कर लिया। युचेन ने अपनी गर्लफ्रेंड को हाथों पर किस किया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हुआंग ने कहा, यह प्रस्ताव मेरे लिए हैरानी भरा था क्योंकि मैं खेलों की तैयारी में जुटी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ और मुझे शादी का प्रस्ताव मिला जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रपोजल के बारे में जो आपने अभी देखा, और ये क्या फीलिंग रही होगी उस महिला खिलाड़ी के लिए जिसको इस ओलंपिक में एक नहीं दो खुशखबरी मिली है। तो आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय।